अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई बड़ी ही सिंपल और स्वादिष्ट बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। जिस तरीके से हम चिकन कढ़ाई बनाते हैं उसी तरीके से हम मटन कढ़ाई बना रहे हैं। इसके लिए हमने 3 चम्मच भर के ऑयल ले लिया है। जब हमारा ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर मटन ऐड करेंगे। हमने मटन को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। ये 1/2 किलो मटन है, इसका मतलब ये 500 ग्राम्स मटन है। इसको हम अच्छी तरीके से ऑयल में भूनेंगे। हमारा तेल अच्छी तरीके से गर्म होगा। आप देख सकते हैं हमारा मटन हल्का हल्का सा अपना कलर चेंज कर रहा है। आपने इस टाइम पे मीडियम टू हाई फ्लेम रखनी है। आप हाई फ्लेम पे भी भून सकते हैं और मीडियम फ्लेम पे भी भून सकते हैं। अब हमारा मटन अच्छी तरीके से तेल में भून गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर 3 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। अब हम इसको अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भूनेंगे। नॉर्मली जो कढ़ाई होती है उसमें ग्रेवी बहुत ही कम होती है। हम इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाहते थे, इसीलिए हमने इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की है जो नॉर्मली कढ़ाई में ऐड नहीं की जाती है। लेकिन हमने ग्रेवी वाली कढ़ाई बनानी थी, इसीलिए हमने इसके अंदर प्याज का पेस्ट ऐड किया है। हमने 3 बड़े प्याज को अच्छी तरीके से मिक्सर में पीस कर पेस्ट बना लिया था, हमने उसको इसके अंदर ऐड कर लिया है। जब अदरक लहसुन की रॉ स्मेल ख़त्म हो जाती है तब हमने इसके अंदर प्याज का पेस्ट ऐड कर लिया है, जिससे ये कढ़ाई थोड़ी सी ग्रेवी वाली होगी, जिससे खाने में बड़ी स्वादिष्ट लगती है और आसानी हो जाती है इसको रोटी और चावल के साथ खाने में। अब हम इसको अच्छी तरीके से भूनकर ढक चुके हैं। ढककर हम इसको 10 मिनट तक भूनकर पकने देंगे, जिससे ये अच्छी तरीके से फ्लेवरफुल हो जाएगी। अब हम इसके अंदर 1 कप भर के पूरा पानी ऐड करेंगे, जिससे हमारा मटन अच्छी तरीके से सॉफ्ट होगा और बॉईल होगा इस पानी के अंदर। हमने इसको 20 मिनट्स ढककर कुक किया था, जिससे हमारा मटन अच्छी तरीके से सॉफ्ट भी हो गया था, टेंडर भी हो गया था और साथ ही साथ हमारा ग्रेवी भी अच्छा था, तैयार हो गया था। अब हम इसके अंदर टोमेटोज ऐड कर रहे हैं। हमने 4 बड़े टोमेटोज को बीच में से कट कर लिया है और आधा आधा करके इसके अंदर हमने इसको इस तरीके से रख दिया था। आप देख रहे हैं हम टोमेटोज कैसे रख रहे हैं। बेसिकली हमने जो टोमेटोज को है ब्लांच करना है, इसका जो स्किन है हम इसका लास्ट में रिमूव कर लेंगे, तो इसीलिए हम इसको इस तरीके से रख रहे हैं। आप इसी तरीके से रखिए और उसके बाद लिड लगाकर इसको 10 मिनट्स और कुक कीजिए। स्टीम से जो है वो उसके ऊपर का पील आराम से इजीली निकल जाएगा। आप देख सकते हैं टमाटर के ऊपर के छिलके अच्छी तरीके से सॉफ्ट होके अलग होने लगे हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। इस तरीके से आप चिमटे की मदद से इन छिलकों को उतार लें और इसके बाद टमाटर को अच्छी तरीके से चम्मच से पेस्ट प्रेस करके कढ़ाई की हम ग्रेवी तैयार करेंगे। हमारे टमेटोज अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। जब ये अच्छी तरीके से स्टीम में कुक होते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं और जब हम इसको इस तरीके से प्रेस करते हैं तो हमारी ग्रेवी का टेक्सचर एक अलग ही बनकर तैयार होता है। आप देख सकते हैं हमारे टमेटो अच्छी तरीके से स्मैश हो गए हैं और इससे हमारी ग्रेवी का टेक्सचर रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर सूखे मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर ब्लैक पेपर यानी काले मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से क्विक स्टर करेंगे और मसालों को मिक्स करेंगे। हमने इसके बाद इसको 5 मिनट तक खुले बिना लीड लगाए कुक किया है, जिससे टमाटो का कलर और मसालों का कलर अच्छी तरीके से आ गया है। अब हम इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर रहे हैं। हरी मिर्ची आप अपने स्वाद के हिसाब से ऐड कीजिए। अगर आपको बहुत तीखा चाहिए तो आप यहाँ खुलकर हरी मिर्ची ऐड कीजिए। हमने 4 हरी मिर्चियों के टुकड़े करके इसमें ऐड कर लिए थे। हमने मिर्ची के पीस थोड़े बड़े बड़े रखे हैं। आप चाहे तो छोटे भी कर सकते हैं या फिर बड़े भी कर सकते हैं या साबुत हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं स्लिट लगाकर। इसे भी फ्लेवर बड़ा ही अच्छा बन के तैयार होता है। अब हमने इसको लिड लगाकर 10 मिनट्स कुक कर लिया था। मटन में अच्छी तरीके से सारे मसालों का फ्लेवर आ गया है और मटन भी अच्छी तरीके से टेंडराइज होकर कुक हो गया है। अब हमने इसके अंदर लाल मिर्ची ऐड की है, इससे मटन कढ़ाई को एक अच्छा सा फ्रेश कलर आ जाता है। ये लाल मिर्ची हमारी ज़रा भी तीखी नहीं थी, ये सिर्फ हमने कलर के लिए ऐड की है, जिससे इसका कलर बड़ा ही फ्रेश सा बन के तैयार होगा। अब हम इसको अच्छी तरीके से बिना लीड लगाए भूनेंगे।
और जब ये 10 मिनट तक भूनने के बाद अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी तब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा मटन अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। इसके अंदर बड़े ही बेसिक मसाले हमने ऐड किए हैं, ग्रेवी भी तैयार हो गई है और कढ़ाई भी हमारी बड़ी डिलीशियस दिख रही है। और इसके अंदर जो सब्ज़ मिर्चियाँ हमने ऐड की है इससे इसका टेक्सचर और लुक बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आप भी खाइए, अपने लाडले बच्चों को भी खिलाइए। ये बड़ी ही सिंपल और झटपट से बन के तैयार हो जाती है। ऐसी कढ़ाई आप दाल चावल राइस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। हमारी इस रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। अल्लाह हाफिज़।